Hi everyone, how are you? I am Harshvardhan and welcome to another superb episode. आज के एपिसोड में हम बात करेंगे YouTube Stories के बारे में और आज के वीडियो में आपको मिलेगी YouTube Stories के बारे में पूरी जानकारी। जी हाँ, अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा तो आप दोबारा नहीं पूछोगे कि YouTube Stories क्या है, उससे रिलेटेड सभी तरह के क्वेश्चंस को मैं आंसर करूँगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि YouTube Stories क्या है, ये किसको मिलती है, अभी तक कितने चैनल्स को मिल चुकी है, इसकी क्या फीचर्स है, ये कितने दिन तक लास्ट होती है, ये किस किस को विजिबल होती है, क्या ये सब्सक्राइबर या फॉलोवर्स को विजिबल होती है या दूसरों को भी विजिबल होती है, और आप कैसे स्टोरी पोस्ट कर सकते हैं, आपको कब मिलेगी। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कि YouTube Stories की एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब ये YouTube Stories की जो टैब है वो किस किस को मिलेगी, यानी कि किन चैनल को मिलेगी। तो इसके लिए आपके पास 10,000 प्लस सब्सक्राइबर होने चाहिए, तभी यह स्टोरीज का टैब आपको मिलेगा। तो ये तो थी बात एलिजिबिलिटी की, अब बात करते हैं कि ये अभी तक किस किस चैनल को मिल चुकी है, क्योंकि ये अभी बीटा वर्जन में है, यानी कि इसकी टेस्टिंग अभी चल रही है, तो ये अभी सभी चैनल्स को नहीं दी गई है, ये केवल कुछ चैनल्स को दी गई है, और अभी तक उसमें 66,000 चैनल्स इंक्लूड हो चुके हैं जिनको स्टोरीज का टैब मिल गया है। जी हाँ, और बाकी के लोगों को भी जल्द ही मिल जाएगा जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कम्प्लीट कर लेंगे, जो कि है 10,000 सब्सक्राइबर्स। ओके, अब दूसरी बात करते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन है कि YouTube Stories क्या ये सिर्फ मोबाइल पर ही अवेलेबल है या फिर आप इसको डेस्कटॉप पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि ये अभी मोबाइल ओनली फीचर है, अभी YouTube इस पर पहले मोबाइल पर काम कर रहा है, और हो सकता है आने वाले दिनों में ये डेस्कटॉप पर भी आ जाए, लेकिन ऐसे चांसेस बहुत कम हैं। तो YouTube Stories केवल और केवल अभी तक मोबाइल डिवाइसेस के लिए ही अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि ये अगर आपने एक बार स्टोरीज पोस्ट कर दी तो वो कितने दिन तक विजिबल रहती है। तो इसका आंसर है कि एक बार अगर आपने स्टोरीज को पोस्ट कर दिया या स्टोरी को पोस्ट कर दिया YouTube पर, तो वो 7 days तक लास्ट रहेगी, 7 days तक आपके सब्सक्राइबर या फिर पब्लिक के लिए वो अवेलेबल रहेगी, और 7 days के बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। तो अब क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि क्या आप उसको सेव कर सकते हैं, जो आपने स्टोरी पोस्ट करी उसको सेव कर सकते हैं। तो इसका आंसर है कि नहीं, अभी तक यह ऑप्शन नहीं है, और YouTube ने कहा है कि वो इस पर काम कर रहे हैं, और हो सकता है आने वाले दिनों में ये फीचर अवेलेबल हो जाए कि आपकी स्टोरीज जो आपने पोस्ट की उसको आप फॉरएवर अपने चैनल पर सेव कर सकें। तो अब बात आती है कि स्टोरीज़ को आप कैसे पोस्ट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सिमिलर है, आप जैसे कि इंस्टाग्राम पर है, वहाँ पर भी आपको यहाँ पर भी कैमरे आइकन पर और कैमरा के आइकन पर क्लिक करना है, और स्टोरीज़ को फिर आप पोस्ट कर सकते हैं। तो अब फिर क्वेश्चन आ रहा है कि आपने जो स्टोरीज़ को पोस्ट किया वो किस किस को विजिबल होगी, क्या वो आपके सब्सक्राइबर्स को विजिबल होगी या फिर पब्लिक को भी, जो कि नॉन सब्सक्राइबर हैं उनको भी विजिबल होगी। तो मैं आपको बता दूं कि YouTube की जो स्टोरीज़ हैं उसमें डिफरेंट चीज़ यही है कि ये सबके लिए अवेलेबल है, आपके सब्सक्राइबर्स भी उसे देख सकते हैं और नॉन सब्सक्राइबर्स भी उसे देख सकते हैं। तो ये क्या है कि जो ऐप की, जो YouTube की ऐप है, उसके होम पर आपको विजिबल होती है, तो इसमें आपके सब्सक्राइबर्स भी और नॉन सब्सक्राइबर्स भी, जिनके विषय में आप इंटरेस्टेड हैं या जिनके टॉपिक में आप इंटरेस्टेड हैं या जिनके आपने टॉपिक कभी, वीडियो कभी देखे हैं, तो उन सब की स्टोरीज़ भी आपके होम पेज पर विजिबल हो सकती है। तो ये सबके लिए अवेलेबल है। अब बात आती है कि आप सोच रहे होंगे कि मैंने अगर सपोज़ करो कोई स्टोरी पोस्ट की यूट्यूब पर, तो उस स्टोरी को मैं कैसे देख सकता हूँ। तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ, आपको जाना होगा अपने चैनल के पेज पर, और चैनल के पेज पर जाने के बाद आपको स्टोरीज़ का टैब दिखाई देगा। अभी जैसे देख सकते हैं आप, यहाँ पर
ये कम्युनिटी टैब है, यहाँ पर आपको स्टोरीज़ का टैब दिखाई देगा। तो स्टोरीज़ का टैब होगा तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने कौन कौन सी स्टोरीज़ को पोस्ट किया है। अब फिर अगला क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी जो स्टोरीज़ को कितने लोगों ने व्यू किया है, यानी कि स्टोरीज़ के एनालिटिक्स क्या हैं। तो उसके लिए आपको क्या होगा कि एक आई आइकन स्टोरीज़ के सामने आपको दिखाई देगा और उस आई आइकन पर क्लिक करके आपको पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने आपकी स्टोरीज़ को देख लिया है। तो ये थी बात कि आप किस तरह से YouTube की स्टोरीज़ को देख सकते हैं कि कितने लोगों ने उसे देखा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि YouTube स्टोरीज़ और Instagram स्टोरीज़ में क्या अंतर है और उनमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहली बात तो जो YouTube स्टोरीज़ हैं और Instagram स्टोरीज़, YouTube स्टोरीज़ लास्ट करती है 7 डेज़ तक, यानी कि वो 7 डेज़ तक विजिबल रहती है, जबकि जो Instagram की स्टोरीज़ है वो केवल और केवल 24 आवर्स के लिए ही विजिबल रहती है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर आपको लंबा लाइफ स्पैन मिल रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके सब्सक्राइबर या फॉलोवर्स आपकी जो पोस्ट है आपकी स्टोरीज़ को उसी दिन या 24 आवर्स में नहीं देख पाते, हो सकता है कोई 2-3 दिन के बाद देखे। तो यहाँ पर उसका फ़ायदा ये है कि जो 7 दिन के लिए विजिबल रहेगी तो उसको आसानी से, जो आपके सब्सक्राइबर डेली आपके चैनल पर नहीं आते हैं तो वो भी इसको देख सकते हैं। और जो दूसरी बात है जो डिफरेंशिएट करती है इंस्टाग्राम स्टोरीज़ को और यूट्यूब स्टोरीज़ को, तो वो ये है कि जो इंस्टाग्राम स्टोरीज़ हैं वो केवल आपके फॉलोवर्स को ही मिलेगी, यानी कि फॉलोवर्स को ही विजिबल होगी, जबकि जो ये यूट्यूब की स्टोरीज़ है ये सभी जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल होगी, चाहे वो आपके सब्सक्राइबर हैं चाहे ना हो। तो क्योंकि ये क्रिएटर्स के लिए है और ये चाहते हैं कि आपने जो स्टोरीज़ पोस्ट की उसकी रीच ज़्यादातर लोगों के पास वो पहुँचे, तो इसीलिए इन्होंने इसको पब्लिक फीचर बनाया है। अब जो तीसरी चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ इसमें ये है कि आपके पास ऑप्शन मिलता है कि आप किसी भी कमेंट को कैमरा में विजिबल कर सकते हैं। तो अगर कैमरे पर दिखाना चाहते हैं आप किसी कमेंट को, तो आप उसको शो कर सकते हैं और फिर उसका आंसर कर सकते हैं या उस कमेंट को रिव्यू कर सकते हैं। तो इस फीचर पर भी काम चल रहा है और ये जल्द ही अवेलेबल हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ी खासियत है जो कि जल्द ही अवेलेबल होगी सभी स्टोरीज़ के लिए। तो अब जो लास्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि यूट्यूब स्टोरीज़ को आप कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए YouTube ने कहा है अभी तक हमारी कोई सपोर्ट नहीं है कि YouTube स्टोरीज़ को आप कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं। अभी तो ये इसको लॉन्च करने के चक्कर में है, तो पहले ये सही से लॉन्च हो जाए, इसकी टेस्टिंग अच्छे से हो जाए, उसके बाद ये फिर मोनेटाइजेशन का कुछ लाएंगे। हो सकता है कि जैसे कि सुपर चैट का ऑप्शन इसमें दे दें, या फिर आप अपने किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकें कुछ इस तरह का, ये जैसे मर्च बाई अमेज़ोन कुछ इस तरह की चीज़ें ये इसके अंदर ऐड कर दें, ऐसा हो सकता है। तो ये थे सभी क्वेश्चन स्टोरीज़ के बारे में। तो मैं एक बार क्विकली आपको बता देता हूँ, स्टोरीज़ के लिए आपके पास 10,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। अभी तक यह 66,000 चैनल को मिली है। इसको केवल आप मोबाइल से पोस्ट कर सकते हैं, कैमरा पर क्लिक करके आप स्टोरीज़ को पोस्ट कर सकते हैं। इसकी जो ड्यूरेशन है वो 7 दिन है, 7 दिन तक ये आपके चैनल पर विजिबल रहेगी, उसके बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, आप इसको सेव नहीं कर सकते हैं। हो सकता है आने वाले फ्यूचर में YouTube इस बात पे काम करे कि आप उस स्टोरीज़ को 7 डेज़ के बाद भी स्टोर कर सकें परमानेंटली अपने चैनल पर। YouTube स्टोरीज़ आपके सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स सब के लिए अवेलेबल रहेगी। तो ये थे सारे क्वेश्चंस YouTube स्टोरीज़ के बारे में, अभी तक की यही अपडेट है। अगर कोई नई अपडेट आती है तो मैं आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, उससे आप इस चैनल के किसी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन दी नेक्स्ट एपिसोड।